हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान क्लास टेंथ एसएसटी का हाफ ईयरली का ये क्वेश्चन पेपर है देखते हैं पूरे के पूरे सोल्यूशन के साथ तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हु बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ़्रांस का डिक्टेटर कौन बन गया था तो देखो इसका जो आंसर है वो है नेपोलियन बोनापार्ट तो नेपोलियन बोनापार्ट बन गया था फ्रांस का डिक्टेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिट्री जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलिया वाला बाग इंसिडेंट तो जलिया वाला बाग इंसिडेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था तो इसका आंसर है जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल था विच स्टेट इज लीडिंग स्टेट फॉर टी प्लांटेशन इन इंडिया टी प्लांटेशन के लिए असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है इंडिया में क्वेश्चन नंबर फोर है वट डज मीन बाय ब्लैक पावर ब्लैक पावर का क्या मतलब है पावर ऑफ अफ्रीकन पीपल या फिर जो इस्पेली यू एस में जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ गलत किया जाता है उसके लिए फिर मतलब कि उनके साथ जो गलत हुआ और वो नहीं सहेंगे वो ब्लैक पावर की ब्लैक जो है वो भी पावरफुल है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच डी आई तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेडरल कंट्री तो चाइना फेडरल कंट्री नहीं है इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फेडरल कंट्रीज़ हैं नेक्स्ट देखिए विच सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन प्राइमरी सेक्टर तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है फॉरेस्ट भी प्राइमरी सेक्टर है फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर है हमें पूछा है कौन सा प्राइमरी सेक्टर नहीं है तो बैंकिंग प्राइमरी सेक्टर नहीं है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन तो इसमें आपको ब्रीफली बताना है तो मैं आपको कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता देती हूँ तो प्रोसेस क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का बिस्मार्क के रोल के बाद आप, बिस्मार्क ऑटोवन बिस्मार्क का जो रोल था उसके बारे में आपको बताना होगा फिर गरबाल्टी के रोल के बारे में बताना होगा फिर नेशनलिज्म किस तरीके से जो है वो जर्मनी में फैला जर्मन के लोग जो हैं, फिर एक कॉमन लैंग्वेज को उन्होंने ठीक है देखा देखना, देखना शुरू करा फिर कस्टम यूनियन जो है वो कॉमन कर दी गई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी करी गई ताकि क्योंकि पहले जर्मनी बहुत ही छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ था फिर बाद में वो मिल करके जर्मन यूनिफिकेशन के बाद एक जर्मनी वो बना कंक्लूजन में यही पॉइंट्स आप इलेबोरेट कर देंगे नेक्स्ट देखिए हाउ वॉज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम रेस्ट यूरोप तो ब्रिटेन का केस जो है वो अलग क्यों था बाकी यूरोप से तो इसका आंसर है नेशन स्टेट सिस्टम इन ब्रिटेन द यूनाइटेड किंगडम सिस्टम इन ब्रिटेन किंगशिप इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखो ब्रिटेन क्या था ना बाकी सारे जो यूरोप के एरियाज थे वो तो लैंड से जुड़े हुए थे ब्रिटेन क्या है बिल्कुल अलग है और ब्रिटेन अलग अलग टाइम पर जो है वो यूनाइट हुआ है पहले जो है लंडन वाला जो एरिया था जैसे कि पहले इसमें वेल्स जुड़ा फिर उसके बाद नदन आयरलैंड जुड़ा स्कॉटलैंड जुड़ा और किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर पूरे के पूरे एरिया में फैली इंग्लिश कल्चर को फैला दिया गया वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पर जो है बाकी एरिया से पहले आ गया तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ़ फ़ोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तो पावर शेयरिंग के फ़ोर फॉर्म्स क्या होते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया लेजिस्लेचर हो गया जुडिशरी हो गया अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो गई फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी जो है पावर का डिवीज़न होता है अमंग पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट्स ठीक है तो इन सब के बीच में इस तरीके से पावर शेयरिंग होती है नेक्स्ट है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई करेंसी वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स इन इकोनॉमी करेंसी क्या होती है और करेंसी की इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी में तो करेंसी क्या है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या क्या है कि okay, भाई जैसे कि रुपये हो गए अब तो हम यू भी कह सकते हैं क्यू कोड के थ्रू हम लोग पैसे सेंड कर सकते हैं चेक हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी क्या है हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं करेंसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और रोल ऑफ करेंसी भाई करेंसी का ही तो जो पूरी की पूरी इकॉनमी चल रही है वो पैसे से ही तो चल रही है नेक्स्ट है देखिए वॉट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एस फॉर द पुअर एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स तो देखो एस जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपस में इकट्ठा होकर के आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं टू मेक सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि जैसे कि विमेंस क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं अपना सेल्फ हेल्प यानी कि अपनी ही हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं और इसमें जो है और तो एक दूसरे की मदद की जाती है लोकल सोर्स ऑफ कैपिटल होता है एनी टाइम अवेलेबल ये होते हैं मिनिमम इंटरेस्ट लगता है इंपॉर्टेंट फॉर पुअर पीपल स्पेशल फॉर वेमेन नीड इन रूरल एरिया तो इन सब पे जो पॉइंट्स हैं ना ये सारे के सारे पॉइंट्स पे आप लोग इलाबोरेट करेंगे लोकल सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब हो जाता है कि आपस में ही ये लोग क्योंकि पैसा किट्ठा कर लेते हैं ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे से ले, ले लेते हैं एनी टाइम अवेलेबल है ना क्योंकि आस पास ही के लोग हैं सबने इकट्ठा किया हुआ है पैसा तो जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो आपस में एक दूसरे से ग्रुप में ले सकते हैं इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज इसमें नहीं होता है गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो हो सकता है उन्हें ना मिले बट अगर वो आपस में ही सब लोग ग्रुप बना करके जैसे कि दस लोगों का एक ग्रुप है उसमें वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो केस में उनको ईजिली एक दूसरे से उधार मिल जाता है रूरल एरियाज़ में और वेमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड एग्जॉस्टेबिलिटी तो ओनरशिप और एग्जॉस्टेबिलिटी की भे खत्म हो जाएंगे उसके हिसाब से हमें बताना है की रिसोर्सेज क्या होते हैं तो इंडिविजुअल होते हैं किसी एक पर्सन के होंगे कम्युनिटी ओन्ड होते हैं नेशनल होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं इंडिविजुअल मतलब जैसे कि आप एक इंडिविजुअल हैं आपका घर है आपका पार्क है सपोज करो आपने खरीद रखा है पार्क बना रखा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज भी जैसे कि जो पब्लिक पार्कस पार्क्स होते हैं फिर नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे जो नेशनल पार्क्स हो गए इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि जो ओशन हो गया है ना देखिए वाई टू वी नीड टू शेयरिंग ऑफ पावर्स इन पोलिटिकल सिस्टम हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया मतलब पावर शेयरिंग की क्या ज़रूरत है और किस तरीके से इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देखो पावर शेयरिंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए और डेमोक्रेसी भाई रियल है पावर शेयर होगी तभी तो समझ में आएगा कि भाई डेमोक्रेसी में जो चल रहा है वो सही चल रहा है पावर शेयरिंग का मतलब जैसे कि जो अपना तो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक का उसमें हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग उन्होंने नहीं करी थी बट बेल्जियम में करी थी तो पावर शेयरिंग करी थी तो यानी कि हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर रही है दस टू शेयर द पावर अमंग ऑल सोशल ग्रुप टू गिव रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल पीपल्स ग्रुप टू सेपरेट द पावर मतलब एक इंसान के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए वही हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है यहाँ पर देखिए हाउ पॉलिटिक्स इंटरफेयर इन सोशल डिविजन एक्सप्लेन एनी टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट तो इलेक्शन uh, के टाइम पर जो है वो सोशल डिवीज़न करती है पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न वैसे इन जनरल रिलीजियस डिवीज़न कास्ट बेस्ड डिवीज़न तो देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से सोशल डिवीजन होते हैं धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं जात के नाम पर वोट मांगे जाते हैं अमीर गरीब के नाम पर भी वोट मांगे जाते हैं तो इस तरीके से जो है पॉलिटिक्स जो है इंटरफेयर करती है सोशल डिविजन में वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट हाउ कैन वी मैंटेन इट तो सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई आज जो रिसोर्स हैं हमारे हम उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो ख़त्म ना हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर सकें तो इम्पोर्टेंस क्या है फॉर द सेव ऑफ आर अर्थ नहीं टू टू सेव आर अर्थ टू फॉर द सेव कोई नहीं है ठीक है टू सेव आर अर्थ टू सिक्योर आर फ्यूचर हाउ वी कैन मेंटेन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बाई अवॉइडिंग पॉल्यूशन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ठीक है पॉल्यूशन हम कम करें प्रदूषण हम ना फैलाएँ जनसंख्या वृद्धि है उस पर भी हम लोगों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है और जो हम एफॉरस्टेशन है वो कर सकते हैं यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं इस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज इन इंडियन स्ट्रगल तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप लोग बताएंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताएंगे और इनका इम्पोर्टेंस भी बताएंगे तो देखो क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन कॉपरेशन को अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो असहयोग हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे या फिर देखो इसमें क्या हुआ था ना कि जो है जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे लोग उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल छोड़ दिया था आंदोलन पर सब आ गए थे विदेशी कपड़ों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ये था ये था पूरा कपूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट क्या था ख़िलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स और हिंदू साथ मिल करके आए थे नाइनटीन में बेसिकली नाइनटीन के बाद ये स्टार्ट हुआ था और इसमें गांधी जी और शौकत अली और मोहम्मद अली जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि भाई जो खलीफा हैं टर्की के उनसे पावर्स नाच नहीं जाएँ और इससे हिंदू मुस्लिम की एकता में दिखाई पड़ी थी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन इनमें से किसी पर भी आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है मजीनी जो है उसका इटली को इंडिपेंडेंस में या फिर यूनि सॉरी इटली के यूनिफिकेशन में क्या इसका रोल रहा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी जो जर्मन की पार्लियामेंट थी वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी ना द ग्रीक वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस तो किस तरीके से जो ग्रीक ने उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, लड़ी इनमें से किसी एक पे आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट हैं ये सारे एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग तो तीन टाइप की कौन कौन सी फार्मिंग होती है प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होती है कॉमर्शियल फार्मिंग होती है तो प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें पुराने टूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और नई तकनीकों का इतना इस्तेमाल नहीं होता इंटेंसिव सब्सिस्टेंस होता है जो मतलब थोड़ी बहुत जैसे कि इरीगेशन या फिर सीड्स वगैरह का हाई ईल वाइटी सीड्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और कई बार मतलब बेसिकली कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का कर इस्तेमाल करते हैं बट होता ही अपने के लिए ही है जैसे कि प्रिवेटिव सब्सिस्टेंस में कुछ मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते अपने परिवार के लिए ही खेती बाड़ी की जाती है और ऐसे ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में भी कॉमर्शियल फार्मिंग में भाई जो फार्मिंग होती है वो प्रॉफ़िट कमाने के लिए जैसे कि प्लांटेशन हो गए जैसे बनाना प्लांटेशन हो गए बहुत ही बड़े लैंड पर ये फार्मिंग की जाती है और इसमें हाई ईल वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जो है इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके कॉमर्शल फार्मिंग की जाती है सामान को मतलब फसल को बेचा जाता है वॉट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म के फ़ीचर्स क्या है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ओन जुडिस्ट्रिक्शन होता है गवर्नमेंट का फंडामेंटल इनके कुछ प्रोविजन होते हैं देखो क्या होता है ना फेडरलिज्म क्या होता है दो से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है तो हमारे देश में तो तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ना दूसरे लेवल पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है हर लेवल का अपना जो है काम करने का अलग तरीका होता है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होता है सबके पास अपने एरियाज डिवाइडेड होता है कि इस एरिया में हम काम करेंगे सबका अपना सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है जिस पर ये टैक्स लगाते हैं हर गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड सेफ यूनिटी ऑफ द कंट्री क्योंकि डिविज़न ऑफ पावर जो है वो हमेशा फ़ायदेमंद होती है इन द केस कि भाई ऐसा ना हो कि किसी एक ही जो है एरिया के पास ज़्यादा पावर आ जाए ठीक है ऑफ़ फंडाम फेडरलिज्म के और क्या फ़ीचर होते हैं कि भाई सबके पास अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं सेपरेशन ऑफ पावर भी होती है सेपरेशन ऑफ पावर में वही आता है ना कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं नेक्स्ट देखिए वट इज़ वाटर स्कारसिटी वॉट आर इट्स मेन कॉजेज़ हाउ कैन वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कारसिटी राइट इन इन योर ओन वर्ड्स तो देखो भाई वाटर स्कारसिटी का मतलब होता है पानी की कमी होना इसकी मेन कॉजे क्या होता है एक तो ओवर पॉपुलेशन हो गया हम लोग नदियाँ गंदी कर रहे हैं है ना साफ़ पानी है वो उसको भी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं रीजंस इसके ये हैं वाटर स्कासिटी होता है पानी की कमी मेन रीज़न है कई बार बारिश नहीं आती है इसकी वजह से भी पानी की कमी हो जाती है हाउ कैन वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कासिटी कैसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि भाई पानी की कमी हो जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि बारिश नहीं पड़ी तो पानी की कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है नदियाँ सूख गई हैं तो इस तरीके से पानी की कमी हो जाती है सल्यूशन इसके हैं देखो ज़्यादा से पेड़ लगाना हम लोगों को वाटर हारवेस्टिंग करनी चाहिए रेन वाटर हारवेस्टिंग करनी चाहिए यही इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है एक्सप्लेन द थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो तीन सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीन है प्राइमरी में क्या आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आता है जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना वो हम लोग के होते हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है जैसे कि सर्विसेज सर्विसेज जैसे कि जो बैंक वगैरह हो गया बैंकिंग ये सब आता है टर्शरी सेक्टर में नेक्स्ट है इंडिकेट द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ द इंडिया एंड मेक द इंडेक्स ठीक है ब्लैक सॉइल रीजन तो ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है अब जैसे अगर मैं अगर आपको मैप बना के दिखाऊँ ये हमारा इंडिया का मैप है इस तरीके से uh, ऐसे करके वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा वैसे बनेगा नहीं बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा तौर पर करके दिखा देती हूँ तो ब्लैक सॉइल वाला रीजन जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र बेसिकली महाराष्ट्र वाला जो है ना महाराष्ट्र वो हमारा ब्लैक सॉइल रीजन है एरिड सॉइल एरिड यानी कि सूखी सॉइल जो हमारा राजस्थान वाला रीजन है उसको आप लोग एरिड सॉइल वाला रीजन बोल सकते हैं इस तरीके से जो राजस्थान वाला है ना यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप महाराष्ट्र वाला लिख सकते हैं जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वो जो है ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र में है ठीक है और रेड सॉइल है राजस्थान में फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल तो देखो माउंटेन वाले इलाके में ही होगी है ना तो यहाँ पर ये माउंटेनियस ऊपर वाला जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है उसमें आप लोग माउंटेनियस सॉइल लिखोगे सरदार सरोवर डैम इधर की तरफ है गुजरात वाले रीजन में सरदार सरोवर डैम है गोदावरी नदी भी इधर से ही निकल के जाती है अमृतसर जो है वो आता है पंजाब में है ना पंजाब में अमृतसर है जलियावला बाघ हत्याकांड हुआ था डांडी जो है वो गुजरात में है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है और साबरमती रिवर भी साबरमती भी गुजरात में ही है तो यहाँ पर इस जगह पर आप लोग साबरमती ठीक है और डांडी फिल करेंगे तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर देख लिया होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा थैंक यू सो मच